नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 11 दिसंबर। कल के सेशन के अंदर हमने सोने चांदी में एक अच्छा खासा मूव आते हुए देखा। इनिशियली तो मार्केट में हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा, फिर प्राइजेस में इवनिंग सेशन में रिकवरी देखी, बट ओवरऑल मेटल बुलियन कॉम्प्लेक्स में हम साइडवे ही प्राइस को क्लोज होते हुए देखा। M6 मेटल इंडेक्स हमने देखा कि 15,100 के नीचे नहीं जा पा रहा है और 15,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल ओवरऑल प्राइजेस के अंदर 0.29% की गिरावट आती हुई देखी। हमने देखा वैक्सीन के होप के चलते प्राइजेस में कंटिन्यू प्रेशर बन रहा है, जबकि स्टिमुलस को लेकर और साथ में डॉलर इंडेक्स की वीकनेस को लेकर कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर और MCX बुलटेक्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा। आज दिन के सेशन में दोनों ही काउंटर MCX बुलियन और MCX बुलटेक्स दोनों में ही हम एक वीकनेस देख सकते हैं मॉर्निंग सेशन में, बट इवनिंग सेशन फिर से तेजी का रहेगा। कल के सेशन MCX गोल्ड हमने 49 से लेकर 49,500 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। आज दिन के सेशन में मार्केट में प्रेशर बना हुआ रहेगा, जो 49,000 तक का लेवल दिखा सकता है, वहां पे हमें लेके चलना है। ऊपर में 49,250 का लेवल तोड़ने पे 49,650 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी कल शॉर्ट कवरिंग के चलते लोअर लेवल से उठ तो गई थी, बट सस्टेन नहीं कर पाया 64,100 का लेवल। अनलेस एंड अंटिल 64,100 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी है हम 62,800 तक का लेवल देख पाएंगे। 62,800 के करीब जाने पे ही हमें बाइंग करके चलनी है, जो 64,500 तक के लेवल देख पाएंगे। क्रूड में कल हमने देखा जिस ढंग से टेरिस अटैक की अपडेट आई थी, उसके बाद क्रूड में एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली भी मार्केट में एक ब्रेकआउट जरूरी था, क्योंकि कल जिस ढंग से हमने स्क्वीज ऑफ बैंड देखा था, वो कहीं ना कहीं संकेत दे भी रहा था कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्रवार है, पुल बैक आ सकता है 3400-3420 के करीब। उस पुल बैक पे हमें लेके काम करना है, जो फिर से 3500-3560 तक का लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री के तहत हमने भी एक्सपेक्टेशन रखा था कि मार्केट में जंप आएगा, वैसा ही जंप आता हुआ दिखाई दिया, बट आज एक पुल बैक दिखा सकता है 186-187। उस पुल बैक पे लेके चलिए। फ्रेश तेजी के लिए हमें 193 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। 193 का लेवल तोड़कर अगले हफ्ते तक हम फिर से प्राइजेस को 200 का आंकड़ा पार करते हुए देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल में भी हमने देखा कल ECB से जिस ढंग से पैंडामिक की तरफ भी हमने सपोर्ट आते हुए देखा, प्लस जो डेटा पॉइंट था वो भी अच्छा आता हुआ देखा, जो कहीं ना कहीं पूरे ही बेस मेटल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। कल हमने निकल को पहली बार 1300 का लेवल फिर से ये साल में तोड़ते हुए देखा। वहीं कॉपर में करीबन 2% की तेजी आते हुए देखी और 600 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दिया। जिंक भी 222 तक का लेवल। वहीं एल्यूमिनियम और लेड दोनों में हमने एक मिक्स व्यू बनते हुए देखा। ओवरऑल बेस मेटल करेक्शन के लिए ड्यू है। आज LME पे कॉपर 0.8% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, बाकी कमोडिटी भी साइडवे टू नेगेटिव है। इंटरनेशनल में गोल्ड 1840 के करीब ट्रेड कर रहा है। आज का रेंज 1830 से 1856 का रहेगा। दिन के सेशन में बिकवाली रह सकती है, जो 1830-32 के करीब आने पे ही लेके चलिए। 1848 का लेवल तोड़ने पे 1856 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी 23,500 से 24,500 के बीच में ही ट्रेड करेंगे। 23,600-23,700 तक के पुल बैक पे हम लेके चलेंगे, जो 24,500 का लेवल तोड़ने पे $25 तक दिखा सकता है। वहीं ब्रांड को हमने $50 का लेवल तोड़ते हुए देख चुके हैं, जो कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिखा रहा है। एक पुल बैक की जरूरत है, उस पुल बैक पे हम फिर से क्रूड ऑयल को लेके चलेंगे। वेक्स इंडेक्स स्टेबल है, इक्विटी मार्केट में थोड़ा करेक्शन मोड दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 90-60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं कंसर्न्स देता है, और डॉलर की गिरावट के चलते सोने चांदी में सपोर्ट रहेगा। डेटा पॉइंट में आज UK साइड से काफी इंपॉर्टेंट स्पीचेस और मीटिंग स्टेटमेंट्स आएंगे। US साइड से अगर बात करें तो कोर PPI का आंकड़ा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि PPI का आंकड़ा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। लीडिंग इंडेक्स का डेटा आना है और साथ में कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा आज आने की उम्मीद है। चार्टिकली MCX बुलटेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, जो 15,100 का है। जब तक 15,100 के ऊपर काउंटर है, काउंटर स्ट्रांग रहेगा, जो 15,250 से 15,300 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं क्रूड ऑयल कल की तेजी के बाद आज एक पुल बैक दिखा सकता है, एक चैनल फॉर्मेशन है, बट ओवरऑल 3420-3400 के करीब मिलता है लेके चलिए, 3560 का टारगेट देखने मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।